अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मौजूद सामीन से उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आइए सुनते हैं शानी की कहानी, किस्त नंबर 10। करीबन 15 दिन बाद की बात है, शानी अपने शोहर के साथ ससुराल वापस जा रही थी। पिछले 15-16 दिनों में जो कुछ हुआ था बहुत तेजी से हुआ था। ये सब कुछ जितना हैरानकुन था इतना ही तेज रफ्तार भी था। इलाके के लोगों ने हरगिज तो नहीं की थी कि हालात यूं पलटा खाएंगे। ये खबर हर एक के लिए हैरानकुन थी कि दोनों चौधरी खानदानों में सुलह हो गई है और बड़ी आपा की धीरानी शानी अपने ससुराल वापस जा रही है। शानी की सिवाय शायद ही किसी को ठीक तरह से मालूम था कि सुलह किस कीमत पर और किस तरह हुई है। शानी की अजीज सहेली सकीना थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन इसे भी सब मालूम नहीं था। हो भी कैसे सकता था, वो इस दर्द और इन दो का इदराक कैसे कर सकती थी जिसके सैलाब से शानी गुजरी थी और हर घड़ी तड़पी थी। ये सिर्फ शानी का दर्द था, वही महसूस कर सकती थी। इसने पूरे 8 पहर तक खुद को सोच की सूली पर लटकाया था और इस मामले के हर पहलू पर अर्थरेजी की थी। वो जानती थी अगर इसके अब्बा जी ने फाखिर और मोहर जी की मुजामत का फैसला कर लिया तो मुजामत का हक अदा कर देंगे। अपनी तमाम तर तवानाइयों और मजबूरियों के बावजूद वो नारपुर वालों के इरादों के सामने आहनी दीवार बन जाएंगे। फिर इस दीवार के साथ टकराकर बहुत कुछ पाश पाश होगा और बहुत मुमकिन है कि ये दीवार भी पाश पाश हो जाए। वो अपने अब्बा जी की जिस्मानी हालत से बहुत अच्छी तरह आगाह थी। इसे पता था कि जो दीवार वो महर और फाखिर के सामने खड़ी करने वाली है, इसकी तामीर में इनकी रही सही जिस्मानी ताकत भी नुचड़ जाएगी। वो अपने बूढ़े बाप को और अपने मुसीबत ज़दा लवाहिकीन को अपनी जात और अना की खातिर किसी और इम्तिहान में नहीं डाल सकती थी, और यही फैसला एक रोज पहले माँ की तस्वीर ने भी दिया था खामोशी की जुबान में। अब्बा जी को अपने ससुराल वापस जाने का फैसला सुनाने के एक रोज बाद शानी सकीना के साथ झंडे शाह के मजार पर पहुंची। वहां से दोनों ने 5 मील तक का बस का सफर किया था और फिर वो एक ऐसे जनरल स्टोर तक पहुंची थी जहां से वो राजदारी के साथ लाहौर फोन कर सकती थी। शानी ने लाहौर में टेक्सटाइल कारखाने के नंबर पर फाखिर से बात की थी। फोन पर शानी की आवाज सुनकर फाखिर चौंका था। रस्मी करीमात की अदायगी के बाद शानी जल्दी असल मौजू पर आ गई थी। इसने कहा था, फाखिर मैं घर वापस आना चाहती हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया घर का। फाखिर का लहजा इस्तेहजाइया था। आपको भी तो मुझे घर बुलाने का ख्याल नहीं आया, शानी ने कहा। मेरे ख्याल करने से क्या होता था, जो मर्जी से जाता है वो मर्जी से ही आता है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, तो ठीक है मैं आना चाहती हूँ तो आ जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लेकर जाएं, अब्बा जी को सुबकी महसूस ना हो, मेरा भी मान रह जाए। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे लिए झोली फैलाने आऊं, फाखिर के लहजे में शदीद काट थी। ऐसा करने के लिए आपसे कौन कह रहा है, मैं जानती हूँ मेरी इतनी हैसियत और अहमियत नहीं है, आप सिर्फ अब्बा जी की मिजाज पूछी के लिए आ जाए, मैं खुद आपके साथ आ जाऊंगी। दूसरी तरफ चंद लम्हे तक एक फातिहाना खामोशी तारी रही, फिर फाखिर ने कहा, मैं एक बात तुम्हें साफ बता दूं, मैं तुम्हारे अब्बा जी के हुजूर किसी तरह की गुजारिश नहीं करूंगा, और इन्हें यह भी समझा देना कि अगर उन्होंने मेरे सामने तलकीन शाह बनने की कोशिश की तो मैं फौरन से पहले उठकर चलाऊंगा। फाखिर के लहजे में तपश और झुंझुलाहट थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, शानी ने कमजोर आवाज में कहा। और अब ये सारे मरहले तय हो चुके थे। शानी अपने शोहर के साथ ससुराल वापस जा रही थी। बज़ाहिर तो वो इसी तरह जा रही थी जिस तरह बीवियां शोहरों के साथ जाती हैं, लेकिन वो जानती थी इसके हाथों और पाओं में नजर न आने वाली जंजीरें हैं। ये जंजीरें अबतर हालात, जाती मजबूरी और मुआशी तंगदस्तियों की कड़ियों से मिलकर बनी थी। नारपुर ने शानी से बहुत कुछ लिया था, इसकी दोशीजगी, दोशीजगी की शोखियां, हंसती मुस्कुराती सहेलियां, जानी पहचानी मेहरबान गलियां, और फिर इसके चाचा मुश्ताक, इसका जान से प्यारा भाई। लेकिन ये सब कुछ लेकर भी नारपुर इसे छोड़ने को तैयार नहीं था, इसे वापस अपने पास ले जा रहा था। चौधरी इरशाद ने हमेशा बेटी की बात मानी थी, वो आज भी मान रहे थे। जिस तरह वो बेटी की मां के सामने बहस नहीं कर सकते थे, इसी तरह बेटी के सामने भी नहीं कर सके थे। उन्होंने इसे देर तक अपने मदकूक सीने से लगाकर भींचे रखा था, फिर फाखिर के साथ रुखसत कर दिया था। वो दोनों लैंड क्रूजर जीप में ड्राइवर के पीछे बैठे तो हवेली के मुलाजमीन ने दोनों पर गुलाब की ढेरों पत्थियां निछावर की। जवाब में चौड़े टायरों वाली जीप धूल उड़ाती नीम पुख्ता रास्ते की तरफ बढ़ गई। नारपुर की हवेली में दाखिल होते ही शानी के जेहन में बेशुमार नाखुशगवार यादें ताजा हो गईं।
सीने में घुटन सी भरने लगी, लेकिन जब इसने भाभो का मोहब्बत भरा हाथ अपने सर पर महसूस किया, मुन्ना और नदीम के मुस्कुराते चेहरे देखे, तो दिल को कदरे हौसला हुआ। इसे याद आया कि हवेली में सब निगाहें ना मेहरबान ही नहीं थी, कुछ आंखों में महरू मोहब्बत की झलक भी थी। फाखिर सबसे पहले शानी को इसके दादा ससुर के पास ले गया। वो हसबे मामूल अपने नीम तारीख कमरे में लेटे थे। जहाजी साइज के पलंग के पास व्हीलचेयर मौजूद थी और बहुत लंबी नाल का मुनक्का शुक्का पड़ा था। दीवारों पर कुल्हाड़ियां, बर्छियां, राइफल और पता नहीं क्या कुछ आवेजा था। मेहर जी नीम दराज से घुटनों तक चादर खींची हुई थी, इकलौती आंख ले शिकारे मार रही थी, और इसमें शानी के लिए बेगानगी और नफरत के सिवा और कुछ नहीं था। शानी ने आज से झुककर सलाम किया और पैंती की तरफ बैठ गई। मेहर के मुंह से वही नाकाबले फहम आवाजें निकली जो शानी पर दहशत आमेज घबराहट तारी करती थी। गुड़गा घड़ घड़ गुड़गा। वो सहमी हुई किसी मुजरिम की तरह बैठी थी। भाप और फाखिर वगैरह खामोश थे। शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे इस मौका पर क्या करना चाहिए। जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो इसने मेहर जी की टांगे दबाने के लिए उनकी पिलपिली पिंडों की तरफ हाथ बढ़ाए, जो इसके हाथ आजाना अंदाज में दादा ससुर की पिंडों से छुए। इनके फालिजदा चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार नमूदार हुए। उन्होंने टांगे एक उसीले झटके से शानी को पीछे हटा दिया। ये बड़ी वाजे तोहीन थी, लेकिन शानी इसी तरह खामोश बैठी रही। वो बहुत कुछ बर्दाश्त करने का आज़्म लेकर इस चारदीवारी में दाखिल हुई थी। रात को शानी और फाखिर के दरमियान कोई खास बात नहीं हुई। जब वो करवट बदलकर सो गए और ख्वाबगाह में इसकी भारी सांसें गूंजने लगी तो शानी की आंखें चुपके चुपके आंसू बहाने लगी। मेहर जी की टांग का उसीला झटका बार बार इसके जहन को कुचोके लगा रहा था। आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। इसकी गर्मी शानी के कोमल रुखसारों पर रिंग रही थी। कभी कभी होंठों से एक मध्यम सी सिसकी भी निकल जाती थी। वो रोती रही। इसके दिल के किसी गहरे गोशे से यह ख्याल उठता रहा, कैसा होगा अगर इसकी कोई फरियादी सिसकी फाखिर के कानों तक पहुंच जाए। वो शानी के अश्कबार गम को महसूस करे, फिर होले से करवट बदले। इसका हाथ नरमी से शानी के कंधे पर आए। ये हाथ इसे अपनी तरफ खींचकर करवट बदलने पर मजबूर कर दे, फिर शानी सिसक कर अपने शोहर के सीने से लग जाए। फाखिर इसका सर चूमे, फिर इसके दुख सुने। शानी की गमगुसारी करते हुए वो कहे, तुम्हारे प्यारे चाचा की मौत का मुझे भी दुख हुआ। तुम्हारे लाडले भाई की जुदाई का गम मैंने भी महसूस किया है। जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक था। अब ये सब कुछ भुलाना होगा। तुम सारे शिकवे भूलकर अपने अना को एक तरफ रखकर वापिस आ गई हो। तुम्हारी ये पेशरफ्त मुझे भी पेशरफ्त मजबूर कर रही है। मैं तुम्हारे अपने दिल में नर्म गोशा महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि अब हम माजी की सारी कदूतों और तलखियों को भूल जाए। वो सोचती रही, ख्वाहिश करती रही, लेकिन ख्वाहिशें इतनी आसानी से कब पूरी होती हैं? दोनों हर वक्त शानी से चिमटे रहे थे। कभी कंधों पर सवार है, कभी गर्दन से झूल रहे हैं। भाभो इन्हें हर वक्त टोकती रहती थी, लेकिन ये दोनों बच्चे तो शानी की वापसी से निहाल हो गए थे। ये तीसरे चौथे रोज की बात है। शानी बाहर ग्राउंड में बैठी थी। सुबह 3-4 बजे का वक्त, बादल छाए थे और सावन की नम हवा चल रही थी। शानी का दिल हमेशा से ज्यादा उदास था। अब्बाजी की याद सता रही थी। हमेशा के लिए बिछड़ जाने वाले भाई का चेहरा निगाहों में घूम रहा था। इतने में मुन्ना वहां आ गया। इसके हाथ में छोटी पतंग थी। वो शानी से इसरार करने लगा कि वो पतंग उड़ाने में इसकी मदद करे। शानी टालमटोल करती रही। वो पतंग एक तरफ रखकर शानी से कुश्ती करने लगा। वो इसे गुदगुदा रहा था और हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंसी गुदगुदी में नहीं होती। हंसी तो दिल में होती है और रूह में होती है, और शानी के अंदर ही दोनों चीजें वीरान थी। मुन्ना की मस्ती हद से बड़ी तो शानी इसे जान छुड़ाने के लिए एकदम अंदर की तरफ भाग गई। मुन्ना इसके पीछे लपका, लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही शानी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। इसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुन्ना कुछ देर दरवाजा खटखटाता रहा और ताती दरवाजा खोलो पुकारता रहा, फिर खामोशी छा गई। शानी ने समझा कि वो चला गया है। वो अपने जहाजी साइज के बिस्तर के एक किनारे पर चादर ओढ़कर लेट गई। चंद मिनट बाद चीखने की आवाज सुनाई दी और मुलाजमों के भागने दौड़ने की आवाजें आई। शानी उठकर बैठ गई। वो नंगे पांव बरामदे में आई। इसने देखा मुंशी रशीद और दूसरे मुलाजमों ने कमसिन मुन्ना को हाथ में उठाया हुआ है। इसके सर से मुसलसल खून बह रहा था। शानी बेकरार होकर मुन्ना को अपनी बाहों में ले लिया। इसके होंठ भी खूनालूद थे। मुलाजिम राशिद ने बताया, मुन्ना ऊपर रोशनदान से गिरा है। रोशनदान से? वहां क्या कर रहा था? शानी ने चिल्लाकर पूछा। फिर जवाब अपने आप इसकी समझ में आ गया। वो समझी थी कि मुन्ना चला गया, मगर वो कमरे के सामने ही था। वो सीढ़ियों के जरिए खिड़की के शेड पर चढ़ा था। वहां से वो रोशनदान में झांककर शानी को आवाजें देना चाहता था, लेकिन फिसलकर नीचे जिप्सम के पुख्ता फर्श पर गिरा था। शानी ने इसे अपने सीने से चिमटा लिया और इसका मुंह सर चूमने लगी। मुन्ने की आंखें बंद थी और गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ लरसते जा रहे थे।
10 मिनट के अंदर डॉक्टर हवेली में पहुंच गया। मुन्ने के सर में 4 टांके लगे, निचले होंठ पर भी अंदर की तरफ जख्म आया था। भाभू भी परेशान थी लेकिन इससे कहीं ज्यादा शानी थी। वो मुन्ने को सीने से लगाकर भीजते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मुन्ने, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कहते, भाभू ने इसे तसल्ली दी, जो तकलीफ किस्मत में होती है वो मिल जाती है, शुक्र है के हाथ पांव बच गए हैं। अब तो मेरे साथ पतंग उड़ाएंगी ना, मुन्ने ने कराहते हुए कहा। जरूर उड़ाऊंगी, जरूर उड़ाऊंगी, अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। शानी इसे अपने ही कमरे में ले आई, वो इसे लिपट कर सो गया। रात को मुन्ने को हल्का सा बुखार हो गया, सारा जिस्म तपने लगा। शानी सख्त परेशान थी। 9 बजे के लगभग इसने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना करके तसल्ली दी और कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं, एक दो रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फाखिर अभी तक लाहौर से वापस नहीं आया था, काली घटाई तो सब पैर से ही छाई हुई थी। 9 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, खिड़कियों पर पानी की बौछारे पड़ने लगी और घर चमकने माहौल को रोमानवी कर दिया। फाखिर 10:30 बजे के लगभग लौटा। आज इसका मूड कदरे खुशगवार लग रहा था, वो हल्की सी तरंग में था। गालिबन मौसम के रायत का फायदा उठाते हुए इसने एक दो पैग लगा रखे थे। शानी ने इसका चेहरा देखा और पहचान गई। आज फाखिर के चेहरे पर वही जानी पहचानी चमक थी जो इसके जज्बाती मूड की निशानदेही करती थी। इस मूड से 2 दफा पहले भी शानी का सबका पड़ता पड़ चुका था। फाखिर खौफगा में दाखिल हुआ तो मुन्ने को पलंग पर सोते देखकर है चौंक गया। इस बात की खबर तो सिर्फ कारखाने में हो गई थी कि मुन्ने के सर पर चोट आई है। कमरे में आकर इसकी चौंकने की वजह यह थी कि मुन्ना इसके पलंग पर सो रहा था। इसे यहां क्यों लिटाया हुआ है, फाखिर ने पूछा। कह रहा है मैं आज यही सोऊंगा, बेचारे को बुखार भी हो गया है, शानी ने परेशानी से कहा। इतने में मुन्ने ने भी नहीं फवास में कहा, हाँ चाचू मैं आज यही सोऊंगा चाची के पास। फाखिर के चेहरे पर नागवारी की शिकन नमूदार हुई, वो बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। एक लहजे में ही शानी सब कुछ समझ गई, वो अंदर से रुहासी हो गई। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसने बड़े दर्द से सोचा। फाखिर की तलब इसे इसी वक्त ही क्यों पुकारती है जब वो किसी दुख के नरखे में होती है। आज मुन्ने की चोट ने इसे हलकान कर रखा था और आज ही फाखिर की ख्वाहिश की हरारत नजर आई थी। वो फाखिर के पीछे पीछे बाहर आ गई, वो नशीस्तगाह में बैठकर सिगरेट फूंकने लगा था। खाना लगवाऊं, शानी ने पूछा। नहीं अभी भूख नहीं, वो सख्त लहजे में बोला। जाओ तुम सो जाओ जाकर, इसके लहजे में शदीद काट थी। शानी एक लफ्ज कहे बगैर वापस मुड़ गई, वो समझ गई थी कि आज फिर इसे अपने आप पर जब करना होगा। खामोशी की जुबान में यही इसके शोर का हुक्म था। वो कमरे में जाकर मुन्ने के पास लेट गई, इसे थपक थपक कर सुलाने लगी। वो चाहती थी कि अगर मुन्ना सो जाए तो इसे आहिस्ता से उठाकर ऊपर भाभो के पास छोड़ आए, लेकिन वो तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार मचलकर खुद को शानी की बाहों में घुसा देता था। आखिर शानी को कहना पड़ा, मुन्ने चले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ आओ। नहीं नहीं, वो एकदम पूरी तरह बेदार होकर बोला, मैं आपके पास सोऊंगा। इसने अपनी टांग शानी के पेट पर चढ़ाई और इसके साथ कुछ और भी लिपट गया। शानी कुछ देर तक इसे प्यार और हिकमत से समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नाकाम हुई आखिर वो रुहासी हो गई। इसका लहजा खुद ब खुद सख्त हो गया। शानी की इस अचानक बेरुखी ने मुन्ने को रोने पर मजबूर कर दिया। शानी ने दिल पर भारी पत्थर रखकर मुन्ने को उठाया और इसके रोने की परवाह किए बगैर इसे ऊपर भाभो के पास छोड़ आई। कमरे में आकर खुद को संभालने में इसे 10-15 मिनट लग गए। अपने अश्कबार चेहरे को अच्छी तरह ठंडे पानी से धोने के बाद और बाल संवार कर नशीसगाह में आ गई। फाखिर ने टेलीविजन खोल रखा था और कोहर से शुरू कर रहा था। आ जाइए, मुन्ना ऊपर चला गया है, शानी ने नजरें झुकाए हुए कहा। वो कुछ देर तक इसके सरापा को घूरता रहा। काटन की गुलाबी फूलदार कमीज पर हल्की हल्की शिकने थी। कमीज से ऊपर शफाफ गर्दन ट्यूबलाइट की रोशनी में दमक रही थी। रेशमी बाल कानों को ढांप रहे थे और हमवार कंधों के पीछे ओझल हो रहे थे। खिड़कियों से बाहर बादल जोर से गरजा और फाखिर उठकर ख्वाबगाह की तरफ चल दिया। अंदाज ऐसा था जैसे शानी पर एहसान कर रहा हो। वही माहौल था, वही गुठन थी, शानी के अंदर वही बेहिसी थी। वो जो जो कहता गया वो मशीनी अंदाज में इस पर अमल करती गई। नागवार सांसें शानी के चेहरे से टकराने लगी, रुखसारों पर कांटे से चुभने लगे। वो आज किसी तरह के गुरेज या किसी तरह की मुजामत का इरादा नहीं रखती थी और इसे आइंदा भी ऐसा ही करना था। अगले 8-10 हफ्ते इसी अंदाज में गुजरे। इसके अज़्वाजी जिंदगी ने सुहागदास से जो डगर इख्तियार की थी इसी डगर पर चलती रही। ये सख्त ना हमवार ना काबिले यकीन और टेढ़ा रास्ता था। हर 4-5 रोज अचानक इसे पता चलता था कि इसे अपने शोहर से मोहब्बत करनी है। ये एक ऐसा अज़्वाजी फरीजा था जो किसी भी वक्त किसी भी जगह अचानक इस पर आयद हो सकता था। शानी के अंदर मोहब्बत करने की हिस्स तो जाने कब से मर चुकी थी, वो तो बस एक कठपुतली थी।
यह कठपुतली किसी दूसरे के इशारे पर नाचती थी। इसकी हर हरकत किसी की दूसरे के हाथों के हरकत के ताबे थी। वो सब कुछ खामोशी और सबर से सह रही थी। इसकी खूबसूरत पेशानी पर शिकन तक पैदा नहीं होती थी। बेशक दिल शिकनों से भरा रहता था। वो खुद को सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रखती थी। भापों और मुलाजमों के मना करने के बावजूद हर जगह हाथ बटाती हुई नजर आती थी। कभी सब्जी बनाने में मदद कर रही है, कभी किसी मुलाजमा के साथ मिलकर गुलदस्ते बना रही है, कभी भावों के साथ मिलकर पौधों को पानी दे रही है। इसे यूं काम करके खुशी मिलती थी और इसके काम से जिनकी मदद हो जाती थी वो भी अपनी जगह खुश होते थे। थोड़े ही अरसे में इसने हर दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। हर कोई इसके नाम की माला जपता नजर आता था। शायद यह रंगवाली की वड्डी आपा का अक्स था जो अब नागपुर की छोटी बेगम में झपकता दिखाई देता था। अगर इस चार दीवारी में कोई इससे नाखुश था तो वो यहाँ के दोनों दरोगे थे, यानी दरोगा मेहर जी और छोटे दरोगा चौधरी फाखिर। खासतौर से फाखिर को तो शानी की हर दिल अजीजी एक आंख नहीं भाती थी। वो जहां कहीं भी शानी की मकबूलियत का कोई मंजर देखता था इसकी पेशानी पर बल पड़ जाते थे। एक बार तो उसने एक बूढ़ी मुलाजमन हमीदन को शानी की बुला लेते देखकर इसे बुरी तरह झिड़का और धमकाया था कि कमजोर औरत का पेशाब खता हो गया था। दादा सुसर मेहर जी का रवैया भी शानी से ज्यों का तू था। वो आजकल कुछ बीमार था। भापों से शानी को मालूम हुआ था कि वो आजकल सब गंदल का पौधा भी कम काश कर रहा है। इस पौधे को आबे हयात जैसी अहमियत देता था। एक रोज शानी ने छत पर से एक अजीब मंजर देखा। मैं अपनी व्हीलचेयर फुलवारी के करीब मौजूद थी। लंबे मेहंदी लगे बालों वाला एक उदेड़ उम्र शख्स इसके साथ था। शानी ने देखा कि फुलवारी में एक सयाह कोबरा घूम रहा है। मजीद हैरत की बात यह थी कि सांप के दुम में एक सुराख था और इसमें से एक रस्सी गुजर रही थी। रस्सी में बेशुमार छोटी छोटी सीपियां परोई गई थी। अगले रोज शानी ने खौफजदा लहजे में भाभों से इसके बारे में पूछा तो इसने बताया कि यह सांप आजकल फुलवारी में रहता है। अकबरा कहता है कि सांप का पेशाब फुजला और इसकी सांसों की हवा सब गंदल के पौधों के लिए खाद का काम देते हैं। सांप फुलवारी में खुला फिरता है, पर इसको किस तरह बांधा गया है कि वो बाहर नहीं निकल सकता। शानी ने यह बात खौफ और कराहत की कैफियत में सुनी, लेकिन अब वो नागपुर में ऐसी बातों की आदि होती जा रही थी। महब चूंकि आजकल बीमार था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था, इसलिए शानी को इससे निस्बतन कम खौफ महसूस होता था। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक शानी को हर दूसरे तीसरे रोज महर के कमरे में जाकर इसकी पिलपिली पिंडियां दबाना पड़ती थी। दबाते दबाते इसके हाथ दुखने लगते थे। महर की बदबूदार सांसों से बचने के लिए रुक रुक कर सांस लेती थी, मगर सांस लिए बगैर गुजारा भी तो था नहीं। सांस तो लेना ही पड़ता है, चाहे हवाओं में जहर घुला हो। जब इसकी कलाइयां बेजान हो जाती थी और वो पूरी कोशिश के बावजूद महर की टांगों पर दबाव नहीं डाल सकती थी तो महर के चेहरे पर बेजारी नजर आने लगती थी और वो करवट बदल लेता था। यही समर का इशारा होता था कि अब वो जा सकती है। वो महर के कमरे से यूं निकलती थी जैसे कोई इसके पीछे लगा हुआ हो। बाहर आकर वो देर तक बगीचे में टहलती थी और अपने अंदर घुसाने वाली बुबास को ताजा हवा में तहलील करने की कोशिश करती थी। एक रोज वो ऐसे ही महर के कमरे से निकलकर टहलती हुई जरा आगे तक निकल गई। बगीचे की दीवार इस उखाड़े की दीवार से मिली हुई थी जहां फाखिर और इसके साथी कसरत करते थे। शानी दीवार के पास पहुंची तो उसे दूसरी तरफ से लाठियों की ठकठक सुनाई दी। वो मखसूस नारे और भड़के भी सुनाई दे रही थी जो लठबाजी का हिस्सा होती है। पता नहीं क्या बात थी, लठबाजी का ख्याल जहन में आते ही शानी के दिल में गम का तीर सा उतर जाता था। इसके तसव्वुर में अपने मनमोहने भाई आदिल सुल्तान का चेहरा आता और आंखों के सामने धुंध फैल जाती। अभी को इसके मरने की उम्र थोड़ी थी, वो जवानी के जोश में आग के अंदर हाथ डाल बैठा। क्या था अगर वो यूं फाखिर से मुकाबलेबाजी पर ना उतरता, और अगर उतरा था तो इससे हारता ना, और अगर हार गया था तो इस हार को दिल का रोग ना बनाता। जिंदगी में हार जीत तो होती है, हार ना हो तो फिर जीत का वजूद क्यों कर हो। वो ख्यालों में गुम चली जा रही थी। इस दौरान में इसने देखा कि फाखिर पसीने में भीगा हुआ अखाड़े की तरफ आ रहा है। इसने धोती को लगोटी की शक्ल में कसा हुआ था, पूरे जिस पर घने बाल थे। शानी की तरफ आते उसने लंगोट ने फिर धोती की शक्ल इख्तियार कर ली। फाखिर के सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदे और इसकी चढ़ी हुई सांस देखकर पता नहीं क्यों शानी का दम घुट सा जाता था। इसे लगता था जैसे फाखिर ने अभी भी आदिल से लटबाजी की है, जैसे आदिल जख्मी हालत में जमीन पर गिरा पड़ा है और फाखिर फातियाना अंदाज में इसके सर पर खड़ा है। वो तमाम का तमाम दिलदोज मंजर शानी के जेहन में ताजा हो जाता था। इधर क्या कर रही है, फाखिर ने इसके करीब आकर पूछा। आज इसका लेजा कुछ नरम था। कुछ नहीं, यूं ही हवाखोरी को दिल चाह रहा था। लगता है कि हवाखोरी तुम्हें पसंद है, वो रुमाल से पसीना पूछते हुए बोला। कभी कभी तो ठीक है, परसों तुम्हें हवाखोरी कराएंगे। कहां, शानी ने चेहरे पर खुशी के तासरात सुझाए। तुम्हें तुम्हारे अब्बाजी से मिलाकर लाएंगे। शानी खिली उठी। पूरे दो महीने हो चले थे अब्बाजी की सूरत देखे हुए।
रंग वाली और रंगवाली के सारे रंग इसे बेतरा याद आ रहे थे। सुगरा की शादी भी इसकी गैर मौजूदगी में हो गई थी और भी पता नहीं क्या कुछ शानी ने खोया था। वो अपनी खुशी पर बमुश्किल काबू पा सकी। पता नहीं क्यों आज इसे महसूस हो रहा था कि फाखिर के रवैये में हाकिमियत के अलावा भी कुछ शामिल हो रहा है। वो मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन नहीं है। वो जिस्म और खूबसूरतगी के अलावा भी शानी से कुछ चाहता है और जो कुछ वो चाहता है वो सिर्फ हुक्म से हासिल नहीं हो सकता। वो क्या चाहता था शादी खुद इसे ठीक से मालूम नहीं था। दो रोज शानी ने बेहद मुश्किल से काटे। तीसरे रोज इतवार था अलग सुबह शानी और फाखिर बजरिया जीप रंगवाली की तरफ रवाना हो गए। शानी ने डरते डरते मुन्ने को भी अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी। थोड़े से तरद्दुद के बाद फाखिर ने इजाजत दे दी। जीप में ड्राइवर के अलावा एक मुसल्ला गार्ड भी था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दो गार्ड थे। ड्राइवर भी असला शनास था, हर वक्त मुसल्ला रहता था। मेहर जी का चहिता गार्ड अकबरा आजकल हवेली में मौजूद नहीं था, वो किसी काम से आर्जी तौर पर लाहौर में मुकीम था। मौसम खुशगवार था। इन लोगों ने 8-10 मील तक हमवार पुख्ता सड़क पर सफर किया। अब इन्हें गुजरावाला जाने वाली सड़क पर पहुंचना था। वहां तक पहुंचने के लिए वो अक्सर एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते थे। 4-5 मील का नीम पुख्ता रास्ता था और जंतर कीकर वगैरह के घने दरख्तों के दरमियान से गुजरता था। इस रास्ते पर कभी कुबार कोई ट्रैक्टर ट्राली या बैलगाड़ी नजर आती थी। खेत रास्ते से काफी हटकर थे। इनकी जीप इस शॉर्टकट पर 2-2.5 मील आगे गई होगी कि एक स्याह कार ने कब से हॉर्न देना शुरू कर दिया। स्याह कार की रफ्तार काफी तेज थी, वो जीप से आगे निकलना चाहती थी। फाखिर के ड्राइवर ने स्याह कार को रास्ता देने में थोड़ी सी ताखीर की तो कार का हॉर्न मुसलसल सुनाई देने लगा। कार जीप के बिल्कुल करीब चली आई और फिर कार वाले ने बड़े बेढंगे तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश की। कार की साइड बुरी तरह जीप की साइड से टकराई। जीप की पिछली खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया और वो खतरनाक तरीके से लहरा गई। बाई तरफ के दोनों पहिये कुछ देर के लिए कच्चे में उतर गए, इसलिए कि गर्द का एक दबीज बादल फजा में बुलंद हुआ। यह बेहद तेज दिलाने वाली हरकत थी। इस इलाके में फाखिर की जानी पहचानी गाड़ी के साथ इस तरह का सलूक कौन कर सकता था। एक सेकंड में फाखिर का चेहरा लाल भभूका हो गया, गार्ड की मूछें भी फुड़कने लगी। रोको इस हरामजादे को, फाखिर ने गरज कर कहा। कार अभी तक अक्कम में ही थी। फाखिर के ड्राइवर ने जीप को रास्ते के ऐन दरमियान में लाते हुए रफ्तार इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कम की कि रास्ता ब्लॉक हो गया। जीप खड़ी हो गई और पुराने मॉडल की स्याह शेवरलेट कार इसके अक्कम में रुक गई। घनी मूछों वाला गार्ड और ड्राइवर छलांगे मारकर जीप से उतरे। उन्होंने एक नजर जीप के नुकसान का जायजा लिया और फिर स्याह कार की तरफ लपके। स्याह कार करीबन 50 फीट पीछे खड़ी थी। फाखिर का गंदमी चेहरा खून के दबाव से नीम तारीख नजर आने लगा। वो शानी और मुन्ने की परवाह किए गए मुसलसल कार वालों को माबहन एक कर रहा था। शानी ने मुड़कर देखा, गार्ड के पहुंचते ही कार वाले भी बाहर निकल आए। ये 2 अफराद थे। ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे की तरफ से जो शख्स बरामद हुआ, इसे देखकर शानी की आंखें हैरत से फैल गई। वो इस शख्स को जानती थी, बहुत अच्छी तरह जानती थी। गुजर जाने वाले 3-4 माह में इस शख्स का चेहरा शानी के तस्वुर में आया था और हर बार इसे अजीबोगरीब कैफियत से दो चार कर गया था। वो इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकती थी। खुशी, ना गम, ना उदासी, ना वाबस्तगी, पता नहीं ये क्या कैफियत थी जो उसके दिल की अथाह गहराइयों पर अमल करती थी और दर्द की लहर रगों पे में जगाती थी। हाँ, इसका जाना पहचाना शख्स था, ये वाहिदी था। वो ग्रे शलवार कमीज में था, कंधों पर एक फूलदार चादर थी जो दोनों पहलुओं पर झूल रही थी। इसकी दाढ़ी पहले से ज्यादा घनी और बाल पहले से बढ़कर लंबे हो चुके थे, जो लगता था कि इसके मरीज चेहरे का 2/3 हिस्सा इन बालों में छुपा हुआ है। वाहिदी को फाखिर के क्रख मुआवजों के रूबरू देखकर शानी के दिल में तेज सी जागी। जेन में एक साथ कई सवाल उठे। ये कहां से आया है? इसकी आमद इत्तफाकिया है या दानिश्ता? इसकी गाड़ी फाखिर की जीप से कैसे टकरा गई? अब इसके साथ कैसा सलूक होने वाला है? वो दम बखुद थी। मुन्ना इसकी गोद में था। मुहाफिज और वाहिदी वगैरह में कोई बात हो रही थी। मुश्किल 1.5-2 मिनट गुजरे होंगे कि ड्राइवर निशाने लिए तेजी से जीप में आया। इसका रंग फीका पड़ा हुआ था, चेहरे पर ही जानी कैफियत थी। क्या बात है निशान? फाखिर ने पूछा। निशान अली ने थूक निकला और शानी वगैरह की तरफ देखकर शायद वो बात करने से हिचकिचा रहा था। फाखिर ने इससे कहा, कोई बात नहीं, वो जो कहता कहना चाहता है कहे। निशान अली ने सरसराती सरगोशी में कहा, मालिक, मैं इस चादर वाले बंदे को पहचान गया हूं, ये कोई और नहीं रुस्तम सियाल है। रुस्तम सियाल? फाखिर ने हैरत से कहा। वो पूरा घूमकर अकम में देखा। चंद सेकंड तक इसकी निगाह वाहिदी पर मरकूज रही, फिर इसके तासुरात भी बदल गए। शायद इसकी निगाह ने भी निशान अली के बयान की तस्दीक करती थी। इसने सरसराते लहजे में कहा, लगता तो वही है, बस दाढ़ी और मूछों का फर्क है।
सुफीसद भैया मालिक, मेरा ख्याल है कि बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, नुकसान तो दोनों गाड़ियों का हुआ है। शानी सब सुन रही थी और इसके कानों में सीटियां बज रही थी। दिलो दिमाग में रुस्तम सियाल का नाम एक गूंज की तरह फैल रहा था। रुस्तम सियाल इलाके का मारूफ डकैत था। इसके किस्से अक्सर लोगों की जुबान पर रहते थे, वो चकरासी गई। इसका मुअत्तल ज़हन इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करने लगा कि सियाह कार के करीब खड़ा शख्स रंग वाली हवेली का माली वाहिदी है या नामी गिरामी डाकू रुस्तम सियाल। क्या वाकई माली की भेजती में रुस्तम सियाल था? शानी को वाहिदी से मुतल्लिक तमाम वाकयात याद है जो इसे पहले भी उलझन में मुब्तला करते रहे थे। वाहिदी ने कटोली गांव के करीब एक कब्रिस्तान में शानी और सकीना को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था और ऐसी दलेरी का मुजाहरा किया था जो इन दोनों को अब तक याद थी। इससे पहले भी एक मरतबा वाहिदी की फितरी जीदारी का मुजाहरा हुआ था। लटबाजी के मुकाबले के बाद फाखिर आदिल को बेदर्दी से जख्मी कर रहा था। वाहिदी आगे आया था, उसने फाखिर की लाठियां अपने हाथों पर रोकी थी। इस किस्म के और भी दो चार छोटे बड़े वाकयात थे जो शानी को उलझन में मुब्तला करते थे। इसके अंदर से आवाज आया करती थी, ये शख्स वो नहीं जो खुद को जाहिर करता है। आज यही बात ड्राइवर निशान और अपने शोर की जुबानी सुन रही थी। एक साथ बहुत से मनाजिर शानी के जहन में आए और इसके साथ ही वो मंजर भी जब शानी ने अपने मालिक वाहिदी के मुंह पर तमाचा मारा था और वो मंजर भी जब इसे बेतुकीर करके घर से निकाला था। ये बात तो शानी पहले से जानती थी कि वाहिदी ने बाग माली का काम सिर्फ रंगवाली की हवेली में रहने के लिए इख्तियार किया था। रंगवाली में एक मौका पर वाहिदी ने इसे बताया था कि वो रुस्तम सियाल की कबीले का है और इसके दूर का रिश्तेदार है। आज एक मुख्तलिफ बात का पता चल रहा था, वो रुस्तम सियाल का दूर का रिश्तेदार नहीं था, वो खुद रुस्तम सियाल था। क्या वाकई ऐसा था? यह सवाल बेपना शिद्दत और खौफ के साथ शानी के जहन में उभरा। और अगर वाकई ऐसा है तो फिर रुस्तम सियाल ने रंगवाली में शानी के हाथों अपनी बेइज्जती क्यों कर बर्दाश्त की? ये सारे के सारे ख्यालात बस दो तीन सेकंड के अंदर शानी के जहन से गुजर गए थे। इसकी आंखें वाहिदी या रुस्तम सियाल पर जमी थी जो बड़े अंदाज से सियाकार के पहलू में खड़ा था और फाखिर के गार्ड से बात कर रहा था। फिर अचानक शानी को महसूस हुआ कि बातों में तलखी आ गई है, जैसे बिजली चमकती है। वाहिदी का दाया हाथ एकाएक घुमा और एक तूफानी मुक्का गार्ड के चेहरे पर पड़ा। वो अपनी राइफल समेत उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। जहां वो गिरा था वहां वाहिदी और रुस्तम सियाल का साथी पहले से मौजूद था। इसने एक झटके के साथ राइफल गार्ड से छीन ली। ड्राइवर निशानदेही ने भिन्ना कर अपनी कमीज के नीचे से पिस्तौल निकालना चाहा, मगर इससे पहले ही मोहलक ऑटोमेटिक राइफल की नाल इसके सीने से जा लगी। खबरदार, वाहिदी के साथी ने कड़क कर कहा। ड्राइवर जहां का तहां था खड़ा रह गया। यह मंजर फाखिर एयर कंडीशन जीप के अंदर से देख रहा था। वो तिल मिलाया बाहर निकलने लगा तो शानी ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। नहीं फाखिर, आप बाहर ना निकले, ये बंदा खतरनाक लगता है। जो कुछ भी था, अब फाखिर के जीप में रुके रहना मुमकिन नहीं था। वो एक झटके से अपना बाजू छुड़ाकर बाहर आ गया। इत्तफाकन इस वक्त फाखिर के पास कोई हथियार नहीं था, वरना वो हथियार यकीनन इसके हाथ में आ चुका होता। वो वाहिदी के सामने पहुंचा और गरज कर बोला, तुम्हें हया आनी चाहिए। एक तो गाड़ी को टक्कर मारी, दूसरा बदमाशी दिखा रहे हो। बदमाश अगर बदमाशी नहीं दिखाएगा तो फिर क्या तुम जैसे शरीफ दिखाएंगे जो सिर्फ कमजोर औरतों और नौकरानी से कुश्ती लड़ना जानते हैं? कौन हो तुम? फाखिर ने इसके तुंद जुमलों को नजरअंदाज करते हुए कहा। वो बड़े एतमाद से मुस्कुराया। ऐसे में घनी मूछों और दाढ़ी के अंदर से इसके सफेद हमवार दांतों की कतार चमक गई। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे पहचान चुके हो, मैं वही जिसका अंदाजा तुमने और तुम्हारे कर्चे ने लगाया है। इसका इशारा ड्राइवर निशानदेही की तरफ था। फाखिर का चेहरा अंदरूनी गजब से सुर्खी मायल हो गया। वो बोला, चोरियां डकैतियां करके कोई रुस्तम जमान नहीं बन जाता। मेरे तुम्हारी हैसियत कानून के भगोड़े से ज्यादा नहीं। कितने दिन भागे भागे फिरोगे? एक दिन तुम्हारी चमड़ी होगी और पुलिस के छितर। पुलिस का ड्राइवर देना तेरे जैसे शोधों की पुरानी आदत है। मर्द का बच्चा वो होता है जो अपने बाजों के बल बूते पर बात करता है, वाहिदी ने नफरत अंगेज लहजे में कहा। इसकी सियाह आंखों में जहां शानी को हमेशा एक खामोश अकीदत नजर आई थी, आज नीली आग दिखाई दे रही थी। यह आग अपने सामने आने वाले किसी भी शख्स को खाकसर करने की ताकत रखती थी। फाखिर और वाहिदी या रुस्तम सियाल के दरमियान चंद तुंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ। फिर न जाने क्या हुआ कि वाहिदी तेजी से अपने गाड़ी की तरफ गया। इसे लंबी शेरलेट के अंदर से दो चमकदार लाठियां बरामद की। अजीब तैश के आलम में इसने एक लाठी फाखिर की तरफ फेंकी और दूसरे अपने हाथों में संभाल ली। बादलों की गर्ज से मुशाबा इसकी आवाज शानी के कानों तक पहुंची। अगर हिजड़ा नहीं है तो आज मेरे साथ भी दो हाथ कर, तेरी सारी लटबाजी ना निकाल दूं तो कहना अपने बाप का नहीं। फाखिर चंद लम्हे साकित और जामिद खड़ा रहा। यूं लगा जैसे किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा। एक साथ के लिए महसूस हो को लाठी दूर फेंक देगा, दूसरे साथ में लगा कि वो गाले बकते हुए पूरी ताकत के साथ वाहिदी पर पिल पड़ेगा। आखिर वो चंद साथ ही गुजर गई।
शानी ने सहमकर देखा। फाखिर ने यकायक एक व्याशाना चिंगार के साथ वाहदी पर लाठी से हमला किया। इतना शदीद हमला था कि चौकस होने के बावजूद वाहदी लड़खड़ाकर एक दरख्त से जा लगा। इसके सर पर चोट आई, लेकिन इसके संभलने की रफ्तार भी काबिले दीद थी। इससे पहले कि फाखिर की लाठी फिर इसके जिस्म से छूती हुई बिजली की तरह तड़पकर लाठी की जद से निकल गया। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखें चारों ओर फिर लाठियां लटबरदारों के हाथ में बरकी कोंदों की तरह दिखाई देने लगी। वो पूरी तरह बेजिगरी और बेपना शिद्दत से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। नीम पुख्ता रास्ते से हटकर कीकर और जंतर के घने दरख्तों के दरमियान अचानक ही एक मैदान कारजार गर्म हो गया था। धूल उठ रही थी, नाजुक शाखें टूट रही थी। लाठियों की खटाखट और लटबरदारों के नारे हैजान खेज थे। देखने वाली आंखें जैसे साकित और जामिद होकर रह गई थी। यूं दिखता था कि दो से रहे वो गोले हो जो हवा की गैर मामूली कुवत से बाहम टकराए हैं और एक ही भंवर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। फाखिर वो लटबाज था जो आज तक किसी से जेर नहीं हुआ था। दूसरी तरफ तारीख रातों और घातों का शनावर रुस्तम सयाल उर्फ वाहिदी था। वो जिसामत में शायद ग्रानिल फाखिर से कुछ कम ही होगा, लेकिन ताकत और फुर्ती में वो कैमन नजर आता था। दोनों दीवानगी के आलम में लड़ते हुए गाड़ियों के करीब आ गए। शानी और मुन्ना सैम के लैंड क्रूजर में कुछ और भी दुबक गए। अचानक किसी लाठी की तूफानी जर्ब ने लैंड क्रूजर की अक्वीस स्क्रीन को चकना चूर कर दिया। ये लड़ाई का फैसला कुन मरहला था। हो सकता है कि लटबाजी की मुहारत में भी फाखिर को कुछ फोकियत हासिल हो, लेकिन इसकी कमी वाहिदी के बेपना जोश और हौसले ने पूरा कर दी। गुमसान की लड़ाई में फाखिर का सर फट गया और वाहिदी की पिशानी से भी खून बह रहा था। दोनों के चेहरे लहूलुहान थे। इन आखिरी मलाहिर में फाखिर की वहशत दीदनी थी। वो लाठी को एक खास मुहारत के साथ दोनों सुरों की तरफ से इस्तेमाल कर रहा था। अचानक एक शीश जरब से जिसे हज कहा जाता वाहिदी के सीने पर लगी। वो तो डगमगाकर अपने सैश यूनिट के करीब गिरा। फाखिर उकाब की तरह इस पर छलांग लगाई और अपनी लाठी की मदद से वाहिदी की गर्दन दबाने लगा। एक लम्हे में वाहिदी का मुंह खुल गया और आंखें हल्कों से बाहर निकल आई। इसका राइफल बरदार साथी गार्ड के पास खड़ा था, लेकिन वो बेहरकत था। गालिबन फरीकैन में तय हो चुका था कि इस लड़ाई में बाहर से कोई मुदाखलत नहीं करेगा। ये बड़े नाजुक लम्हे थे। शानी के हाथ कांपते चले जा रहे थे। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किसके लिए दुआगू हो, एक अजनबी के लिए या अपने शोहर के लिए, अपने शरीक हयात के लिए। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। शायद इसी कश्मकश का नतीजा था कि वो दुआ कर ही नहीं पा रही थी। अचानक इसने फाखिर को हवा में उछलते देखा। फाखिर की खड़खड़ाती सफेद सलवार कमीज एक लम्हे के लिए शानी की नजरों के सामने से गुजरी। वो कलाबाजी खाता हुआ लैंड क्रूजर के पिछले टायर से टकराया। इससे पहले कि वो उठता वाहिद की लाठी इसकी कनबटी का बोसा ले चुकी थी। ये मोहलक बोसा था, सर्फ ज्यादा शदीद न होने के बावजूद बेहद संगीन थी। फाखिर दोबारा अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। चश्मे फलक ने यह तमाशा देखा कि इलाके का नामवर और नाकाबिले शिकस्त लटबाज जमी बोस था। वाहिदी की लाठी पर तवातर से बरस रही थी। वो शीशे की बिखरी हुई किचियों की तरह लोटपोट हो रहा था। शानी दर से चीखते हुए दीवानावार बाहर निकली। रुक जाओ, वो तड़प कर पुकार उठी। लेकिन इसके पुकारने से पहले ही वाहिदी या रुस्तम सयाल वो जो कोई भी था अपना हाथ रोक चुका था। इसकी लाठी की नोक फाखिर की गर्दन में धंसी हुई थी और फाखिर चारों शानी चीत था। खेल खत्म हो चुका था, मुकाबला इख्तिताम को पहुंच चुका था। एक लफ्ज कहे बगैर और इर्द गिर्द एक निकाह डाले बगैर वाहिदी वापस मुड़ा और अपने साथी समेत अपनी कार में जा बैठा। इसने शानी पर बस एक उचड़ती सी निगाह डाली थी। चंद ही सेकंड बाद इसकी कार धूल उड़ाती कीकर और जंतर के दरख्तों में ओझल हो रही थी। फाखिर का चेहरा गाढ़े सुर्ख खून में छुपा हुआ था। इसकी एक कलाई सूद कर कुप्पा हो रही थी। कंधे पर भी गहरी चोट आई थी। शानी और निशान अली से सहारा देकर जीप तक लाए और खून बंद करने की कोशिश करने लगे। वाजी सामीन हजरात, शानी की कहानी अभी जारी है। बकिया वाकयात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।